तो मुझे लेने क्यों आए? वैन वाले अंकल आने वाले थे। मैंने ही मना किया था उनको आने से, कॉल कर दी थी। क्यों? इन्हीं बात करनी थी मुझे, मैं इसलिए पिक करने आया हूँ सुबह। तुम्हें वही बात करनी होगी जो तुम्हें सुबह में करनी थी। वो बात मुझे सुबह भी नहीं अच्छी लगी थी और ना ही अब अच्छी लगेगी। एक चीज़ समझो यार, प्लीज़ एक दफ़ा समझो। हमारे बड़ों ने जो करना था उन्होंने कर लिया, नहीं अच्छा किया, हमें इस चीज़ का इल्म है। लेकिन जो हमारी बच्ची कुछ ज़िंदगी है, टूटी फूटी है, हम उसके बारे में तो कुछ सोच सकते ना, कुछ ना कुछ तो उसके बारे में कर सकते हैं। और जब तुमने अपनी पढ़ाई का डिसीजन लिया मुझे अच्छा लगा, मैंने तुम्हें उसमें सपोर्ट किया जितना मैं कर सकता था। और मेरे लिहाज से भी सोचो ना यार, मैं उस टाइम पर सीरियस नहीं था पढ़ाई को लेकर, और अब हो गया हूँ। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें मेरी पढ़ाई से पता नहीं क्या मसला हो रहा है। बिल्कुल नहीं, मुझे तुम्हारी पढ़ाई से कोई मसला नहीं है फाखिर, जो तुम्हारे बाहर जाने से और पढ़ने से मसला है। मुझे, इनाया को, बड़ी अम्मी को, हम सबको तुम अकेला छोड़ के बाहर चले जाओगे, मुझे इस चीज़ से इशू है। काबिल बिजनेसमैन बनने के लिए मेरे पास डिग्री होना ज़रूरी है ना? वैसे ही एक अच्छा बाप बनने के लिए मैं कम से कम इतना तो उस काबिल हो जाऊँ ना कि अपनी औलाद का फिर से अपने बल पे उठा सकूँ। तो ये सब तुम यहाँ पे भी कर सकते हो? नहीं कर सकता यहाँ पे, कब से कोशिश कर रहा था। हाँ, क्योंकि तुम पढ़ाई में अच्छे नहीं हो, और तुम बाहर की पढ़ाई का स्टैंडर्ड कैसे मैच करोगे? मुझे आदत है ग्रुप स्टडीज की, ठीक है, हम सारे वहाँ दोस्त जाएंगे, एक साथ इकट्ठा मिलके पढ़ेंगे, मैं सुकून से पढ़ लूंगा, ग्रेड्स भी अच्छे आ जाएंगे मेरे। बड़ी अम्मी ना ही तुम्हें बाहर जाने की इजाज़त देंगी और ना ही तुम बाहर जाओगे, बस बात खत्म हो गई। हटो ना आखिर, आराम से